दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसी चीजें जो आपको अपने जीवन में कभी नहीं करनी चाहिए। अपनी ओवरऑल ग्रोथ के लिए और पीस के लिए आपको इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। नंबर वन, टू मेनी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम पीपल। लोगों से बहुत सारी उम्मीदें लगाना। आपको लोगों से बहुत सारी उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। अगर आप लोगों से बहुत सारी एक्सपेक्टेशन लगा के रखते हो तो ये एक्सपेक्टेशंस आपको केवल और केवल हर्ट करेंगी। आप अपने से उम्मीद रखिए कि आप खुद को खुश रखेंगे, लेकिन अगर ये आप दूसरों से भी एक्सपेक्ट करोगे कि लोग आपको खुश रखेंगे, तो आपको एट द एंड निराशा ही मिलेगी। नंबर टू, कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। अपनी तुलना दूसरों से करना। अगर आपको खुश रहना है तो अपना कंपैरिजन दूसरों के साथ मत कीजिए। आपको ये समझना होगा कि हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग है, तो ऐसे में कंपैरिजन का कोई अर्थ नहीं है। आप दूसरों से खुद का कंपैरिजन करके केवल अपने आप को दुखी करोगे। नंबर थ्री, टॉक्सिक पीपल। हम सभी के जीवन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमें हमेशा परेशान करते रहते हैं। उनसे हमारा कुछ रिश्ता होने की वजह से हम उन्हें सहते रहते हैं, लेकिन अब आपको कठोर होना पड़ेगा और ऐसे लोगों से दूर होना पड़ेगा। जो व्यक्ति आपके मन की शांति को भंग करता हो, ऐसे व्यक्ति से दूर हो जाइए। नंबर फोर, होल्डिंग ग्रजेस, यानी द्वेष बनाए रखना। कभी कभी किसी व्यक्ति के लिए हम अपने मन में बहुत सारी जलन द्वेष बनाकर रखते हैं, जो हमें अंदर ही अंदर जलाता रहता है। तो अगर आपके मन में भी किसी के लिए जलन, ईर्ष्या या गुस्सा है, तो उसे आप अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि ये आपको ही तकलीफ देगा। नंबर फाइव, सेल्फ इम्पोर्टेंस, अहमपना। दोस्तों, खुद को अहमियत देने में कोई बुराई नहीं है, पर हर बार केवल अपना ही उल्लू सीधा करना बिल्कुल सही नहीं है। सिंपल भाषा में कहूँ तो आप अच्छे हैं, अच्छी बात है, पर केवल आप ही अच्छे हैं ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। खुद को अच्छा कहने में कोई बुराई नहीं है, पर केवल आप ही अच्छे हैं ऐसा कहना सही नहीं है। नंबर सिक्स, वरिंग अबाउट द फ्यूचर, भविष्य की चिंता करना। दोस्तों, भविष्य के बारे में सोचना, अच्छे भविष्य की कामना करना अच्छी बात है, लेकिन भविष्य की बहुत सारी चिंता करना बिल्कुल सही नहीं है। अगर आपको अपना भविष्य सही करना है तो आप अपने वर्तमान पर ध्यान दीजिए। आप आज अच्छा कीजिए, आपका भविष्य अपने आप अच्छा हो जाएगा। लेकिन आज ही आप भविष्य की चिंता करोगे तो आपका आज का दिन भी खराब हो जाएगा, और आज का दिन खराब होने की वजह से आपका भविष्य भी सही नहीं होगा। नंबर सेवन, पुटिंग डाउन अदर्स, दूसरों को नीचा दिखाना। अगर आपको लगता है कि आप दूसरों को नीचा दिखा के खुद को बड़ा बना सकते हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं। हमें कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। किसी को नीचा दिखाना ये बताता है कि हम खुद कितने नीचे हैं, हमारे विचार कितने नीचे हैं। कोई कैसा भी क्यों ना हो, किसी न किसी चीज़ में वो हमसे बेटर होता है। इसीलिए हमें हर व्यक्ति की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये मैटर नहीं करता कि वो कौन है और क्या करता है। एंड द बोनस एडवाइस, रशिंग, यानी जल्दी करना। आपको ये समझना होगा कि हर चीज़ को पूरा होने में टाइम लगता है। किसी भी बड़ी चीज़ को बनने में टाइम लगता है, तो किसी भी चीज़ को पाने के लिए आपको पेशेंस रखना होगा। जो चीज़ आपको चाहिए उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। अगर आप सोचते हैं कि जल्द ही आपको कुछ मिल जाए, तो इससे केवल आप दुखी होंगे। पेशेंस बनाकर रखिए, आपको जो चाहिए वो सब समय पे मिल जाएगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।